नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं पहाड़ी फैक्ट्रिशियन। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जिसने अपने ही कस्टमर से वॉशरूम यूज करने के लिए बिल ऐड कर दिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी रुकावट के। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्वाटेमाला के एक कैफे ने इस कहावत का सचमुच में अमल करना शुरू कर दिया। ला एस्क्विना कॉफी शॉप में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब एक ग्राहक ने यहाँ पर वॉशरूम यूज किया तो उससे पैसे वसूल लिए गए। इतना ही नहीं, कॉफी शॉप ने जब ग्राहक को उसके हाथ में बिल थमाया तो उसमें इसका जिक्र भी था। नेल्सी कडोवा नाम की एक कस्टमर ने जैसे ही रेस्टोरेंट में बिल प्राप्त किया तो वह दंग रह गई, जिसमें लिखाया गया था कि बाथरूम का उपयोग करने के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लिखा गया था। नेल्सी ने अपने रसीद की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की, जिसमें ऑक्यूपेशनल स्पीच के लिए एक शुल्क दिखाया गया था। यह और कुछ नहीं बल्कि उसके द्वारा यूज किया गया वॉशरूम का चार्ज था। लोगों ने इसकी आलोचना की और निंदनीय करार दिया गया। इस पोस्ट को देखने के बाद कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सही ठहराया। एक यूजर ने लिखा, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने रेस्टोरेंट में हवा के लिए शुल्क नहीं लिया। इस रेस्टोरेंट में जा चुके एक यूजर ने कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ, मुझे कहना होगा कि अंदर बहुत खाली था। मुझे अब समझ में आया कि आखिर वह जगह क्यों खाली थी। प्रतिक्रिया मिलने के बाद कैफे ने जवाब दिया है कि एक स्पष्टीकरण की पेशकश की है। बयान में रेस्टोरेंट ने कहा, हमें उस घटना के लिए खेद है, यह बहुत बड़ी गलती है, इसे हमारे सिस्टम में पहले ही ठीक कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही प्रभावित व्यक्ति के उपयुक्त धनराशि करने और उसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए संपर्क करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई। Tell me that you love me, even if it's